घोषणा हो चुकी है, अब की बार कांग्रेस किस तरह से अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी? चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हरियाणा वासियों का इंतज़ार अब पूरा हो गया। 1 अक्टूबर को पहले पहर में ही भाजपा की विदाई तय है। यह हरियाणा के लोगों का फैसला है और उस प्रभु का फैसला है जिस पर हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद है। हरियाणा के लोगों ने 10 साल तक शकुनी की चौपड़ की तरह भाजपा के षड्यंत्र और माया जाल में फंसकर जो जुल्म व सितम सहा है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। उस साजिश का पर्दाफाश करने का समय आ गया है और छुपे पर्दे के पीछे जो खेल हुआ हरियाणा की जनता के हितों से, उसे उजागर करने का समय आ गया है। हरियाणा के शहर कभी प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में फंसे, कभी परिवार पहचान पत्र के और कभी अंगूठे लगा लगा कर झूठे पोर्टलों की सरकार ने रिश्वत की खोरी के अंदर हरियाणा के शहरों के आम जनमानस की जिंदगी नष्ट कर दी। हजारों लाखों रुपया एक एक मकान जो डेवलप है उसके नक्शे के देने पड़ते हैं। हरियाणा का किसान जिस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार हुआ, 700 किसान दिल्ली की सीमा पर हरियाणा में शहीद हो गए। नष्टर, कांटे, पत्थर, लाठियां, बम, अश्रु गैस जिस प्रकार से हरियाणा के किसानों पर चलाए गए, किसान और खेत मजदूर उसे भूला नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा की पहलवान बेटियों को भाजपा के नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर घसीटा गया भाजपा के द्वारा, हमारी उस शान के खिलाफ जो कोताही हुई है वो आज भी हमारी आत्मा पर अंकित है। जिस प्रकार से हरियाणा के नौजवान शिकार हुए पेपर लीक माफिया के, ये पेपर लीक सरकार है जिसमें 47 पेपर लीक हुए और भाजपा का पूरा डीएनए ही पेपर बेचकर पैसे कमाने का है, वो एक एक युवा के जख्म पर आज भी अंकित है और वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एससी और बीसी के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके हकों पर कुठाराघात हुआ, मजदूर का शोषण हुआ, महिला अपराध की शिकार हुई और हरियाणा के शहर और गांव किस प्रकार से गुंडों के साम्राज्य की भेंट चढ़ा दिए गए, वो भी हरियाणा भूला नहीं है। वोट की चोट से इस एक एक चीज़ का हिसाब होगा। जिस प्रकार से 10 साल से हरियाणा को दोनों हाथों से भाजपाइयों ने लूटा है, वोट की चोट से उनकी संख्या अब सिंगल डिजिट में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हरियाणा की जनता की आत्मा बोल बोल कर कह रही है। 1 तारीख का इंतजार करिए, क्योंकि 1 अक्टूबर हरियाणा में क्रांति का एक नया दिवस होगा, हरियाणा की आज़ादी का एक नया दिवस होगा। कांग्रेस का हाथ और हरियाणा का साथ एक नई कांग्रेस की सरकार का गठन करेगा।